नमस्कार, पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। मैं चांद मोहम्मद शेख। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल यानी हंसने और हंसाने का दिन, हल्का फुल्का बनाने का दिन। इस खास मौके पे हमारे साथ हैं जयपुर के युवा स्टैंड अप कॉमेडियन लवजीत सिंह चौहान। आज हम लवजीत सिंह चौहान से कॉमेडी के बारे में, कॉमेडी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ लवजीत कोशिश करेंगे हम सबको हल्का फुल्का बनाने की। लवजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। लवजीत जी, सबसे पहले धन्यवाद। शुरुआत करेंगे हम, चाहेंगे आप अपने बारे में और अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे खानदान में आज तक कोई टीवी पे नहीं आया है तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये। और जी, मैं परिवार बताता हूँ, मैं आपको, मेरे पिताजी हैं, मम्मी है जी, और बड़ी बहन है मेरी। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ जी। मेरे चाचा जी है, मेरे भाई भी है, काफी लोग फैमिली के अंदर। और मेरे पिताजी का शुरू से ही सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का था, जोक्स मारना। मेरे चाचा जी जो है हंसी मजाक करते रहते हैं काफी, तो हम शुरू से ही, मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ जहाँ पे बहुत ये मेरे पे असर है अपने फैमिली का जी, तो उसी के चलते ये सब हुआ। आपकी शुरुआत किस तरह हुई कॉमेडी की तरफ? सर, कॉमेडी की तरफ शुरुआत मेरी बचपन से हो गई थी, स्कूल टाइम से ही। हमारे वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे तो उनकी मैं काफी अच्छी निकल निकालता था, पूरी क्लास परेशान थी उनको ट्यूशंस का लेके। तो एक बार हुआ कि मैं नकल निकाल रहा, किसी ने जाके प्रिंसिपल मैम को बोल दिया भाई ये नकल कर रहे हैं जी। तो मैम ने मेरे को बुलाया रूम के अंदर, बोले आपको शर्म नहीं आती कि आप टीचर की नकल निकालते हैं, कि वो गुरु है आपके? मैंने कहा यस मैम। और क्या बोलते हो आप? मैंने कुछ नहीं, वो जब एंटर करते ना क्लास के अंदर तो वो बैठते ऐसे करते तो वो तेज तेज हंसने लग गई मैम खुद, कैसा निकले यहाँ से तो वहीं से फिर स्कूल टाइम में मैंने काफी किया है, मैंने कॉलेज टाइम में किया है अपने। स्कूल टाइम में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है आपकी इसमें? सर, स्कूल टाइम में मैं ज्यादातर टीचर्स की मिमिक्री करता था, उसके बाद मेरे को ये काम मिल गया था वहाँ पे जी। मेरा जब 12th के अंदर भी मैं जब था तो वहाँ पे जिस दिन फेयरवेल होता है उस दिन मैंने हमारे जितने भी टीचर्स थे उनकी मैंने मिमिक्री करी, और बाद में आके मेरे को बहुत टीचर्स ने खुद ने आके बड़े कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, उनको था कि ये इस फील्ड में कुछ ना कुछ करेगा आगे। मतलब शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी जी, शुरुआत स्कूल से हो गई थी। मिमिक्री में सब्जेक्ट आपका क्या होता था उस वक्त स्कूल टाइम में देखें तो? सर, स्कूल टाइम में सिर्फ टीचर्स, क्योंकि जब हम हमारे आसपास के लोगों की ही बात करते हैं तो ज्यादा उसमें मजा आता है। जैसे आज धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की सब आवाज निकाल लेते हैं जी, जी। पर मैं आपकी, आपके स्टाफ के सामने निकालूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, उनको कनेक्ट ज्यादा अच्छा होगा सीट से। तो ये वहां होता था। फिर कॉलेज में मूव हुए, फिर मिमिक्री छोड़ के फिर सब्जेक्ट पे बात करने लगे जी। सब्जेक्ट मतलब कॉमेडी जी, वो हम सीरियस सब्जेक्ट हुआ उसके अराउंड में, जो दैनिक जीवन के अंदर होता है, अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं, लोग मुझसे क्या बोलते हैं जी, जी। उसको लेके मैं लिख लेता हूँ और फिर उसको हम ट्राई करते हैं अलग अलग जगह पे इस तरीके से जी। अब तक आप कॉमेडी के कितने शो कर चुके हैं? सर, मैं कॉमेडी के शो अराउंड 40 शोज मैं कर चुका हूँ, 40 जयपुर में और दिल्ली में। जयपुर और दिल्ली में जी। मतलब एक देखें स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, इस पे थोड़ा रोशनी डालें तो क्या, किस तरह का फॉर्मेट होता है इसमें? सो स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्मेट ये होता है कि एक माइक होता है और सामने लाइव ऑडियंस बैठी होती है जी। तो हमको माइक पे ऐसी बातें बोलनी होती है जिनसे उनको हंसी आए, वो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, बॉलीवुड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो किसी भी चीज से हो सकता है। मतलब ब्रह्मांड की हर किसी भी चीज पे आपको लगता है कि यहाँ से मैं हंसी निकाल सकता हूँ तो हम लोगों को वही बात बोलते हैं। मतलब ज्यादातर जो सब्जेक्ट हैं हंसी के, वो कहाँ से उठाते हैं आप? सर, के सब्जेक्ट जो है वो कहीं से भी निकल जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जयपुर मेट्रो हम लेते हैं जी जी, तो बहुत से लोग ट्रेवल नहीं करते जयपुर मेट्रो में, वो फ्यूचर में करेंगे। अगर आप दिल्ली मेट्रो में देखो तो भर के क्राउड आता है उसके अंदर जी, जी, तो जी, क्या कारण है उसका, मैं आपको बताता हूँ जी। और कॉमेडी यहीं से निकलती है। जब आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो वो मेट्रो एक सुरंग में घुसती है, आप सुरंग से बाहर आते हैं, आप देखते हैं हॉस कास विलेज, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, मस्त खूबसूरत लड़कियां, पब्स और बार सब जगह। पर जब जयपुर मेट्रो सुरंग में घुसती है, बाहर निकले चांदपुर तो ये एक ह्यूमर हो गया। एक मैंने गणतंत्र दिवस पर, बराक ओबामा जी आए थे हमारे 2 साल पहले जी, तो मैंने तब ये जोक लिखा था, क्योंकि दिल्ली में रेप का जो एक मीडिया ने कर रखा है कि दिल्ली में, ऐसे नहीं पूरे इंडिया में होता है, पर दिल्ली का बहुत ज्यादा इन दिनों हो रहा है, काफी सालों से ये रेप कैपिटल है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि जब गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा जी भारत आए तो वो इतना डरे हुए थे दिल्ली आने से कि अपनी दोनों बेटियों को लेके नहीं आए, क्योंकि ओबामा को ये लगा कि डिप्लोमेसी अपनी जगह है और बेटियों की इज्जत अपनी जगह है। तो ये मैं इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करता हूँ, तो एक सोशल मैसेज भी वहां पे गया वुमेन सिक्योरिटी को लेके, तो ये पूरा रहता है।
हाँ मतलब अवेयर करने के लिहाज से देखे इसको, सिर्फ हाथ से ही नहीं देखे, अवेयर करने के हिसाब से देखे या मैसेज ये देने के लिहाज से देखे कि इसमें आपको या ये कहें कि इसमें प्रशासन को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है, इसके पीछे मकसद ये है जी। अच्छा, उसके अलावा देखें भाई, जैसे अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वो कौन से शहर है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो अच्छी जगह बना रही है? अच्छी जगह बना रही है, नंबर वन की मैं बात करूँ तो वो मुंबई है जी। उसके बाद में आता है बैंगलोर और फिर दिल्ली, ये तीन सिटीज है जहाँ पे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं और मैंने खुद ने दिल्ली जाके सीखा है। उसके बाद में इस आर्ट फॉर्म को मैं जयपुर लेके आया हूँ और मेरे जयपुर में मेरे साथ में सलोनी माथुर हैं जो एक फीमेल कॉमेडियन है, वो बहुत अच्छा करती हैं, प्रेरित राज हैं, दक्षित माथुर है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो हमारा 11 लोगों का अब ग्रुप बन चुका है जयपुर के अंदर, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। इस पर किस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं कि जयपुर में जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी है वो सही जगह बना पाए और लोगों के बीच में उसकी एक अच्छी पहचान बने? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद हाथ जोड़ के पत्रकारों को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जब हमारा पहला शो किया था 26 जून को, उस समय जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं सबने कवर किया था शो को, बहुत तारीफ करी थी और आज भी न्यूज़पेपर के अंदर मेरे बारे में या मेरे जो समर सर्किट है उसके बारे में बहुत आता है। तो ये चीज़ वहीं से ड्राइव होती है, लोगों को मेहनत से ज़्यादा आउटपुट समझ में आता है कि इसका आउटपुट क्या है, तो जब वो न्यूज़पेपर में छपके आता है, आज जैसे मैं टीवी पे आ रहा हूँ, तो यही प्रोत्साहन उन बाकी लोगों को ही मिलता है कि, और जैसे बड़े कॉमेडियंस को हम जयपुर बुलाते हैं तो 300 का ऑडियंस है, 500 का ऑडियंस है, 200 का ऑडियंस है, उसके सामने नए कॉमेडियंस आके परफॉर्म करते हैं, उनके सामने उन्हें भी मंच मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अब तक जो बड़े कॉमेडियन है वो किन बड़े कॉमेडियन के साथ आप शो कर चुके हैं? जी ये सभी यूट्यूब की जनरेशन के स्टार्स हैं सारे, उसके अंदर कन्नन गिल हैं, अब तो उनकी मूवी भी आ रही है, जीविशु अलूवालिया ऑलरेडी है जो तमाशा मूवी में दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ में काम कर चुके हैं, अमित टंडन साहब हैं, कल हमने अभी रिसेंटली नितिन मिरानी जी के साथ में किया जिन्होंने शाहरुख खान, कपिल शर्मा, करण जौहर जैसे लोगों के साथ में काम किया है, और ये सब वो लोग हैं, हम फ्यूचर में और लोगों के साथ में करेंगे। प्लस हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो नए कॉमेडियंस हैं मैं इनको 5-10 मिनट का स्पॉट देता हूँ उस समय, तो जयपुर का क्राउड अब इन्हें भी पसंद करने लगा है, वहीं से एक्सेप्टेबिलिटी ड्राइव होती पूरी। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है खासतौर पर जयपुर की बात करें तो? बहुत अच्छा, इतनी इज्जत मिल रही लोगों के अंदर, और जब लोग आके आपके सर पे हाथ रखते हैं बूढ़े आके कि हमें बहुत मजा आया बेटा आपका शो देख के, उससे बड़ा कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। अब तक जैसे आप शो करते हैं और उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है तो उसमें कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे चुटकुले या कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहें जिस पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हो? मैंने अभी दो तो आपको सुनाए जोक्स, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल वाली बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि आजकल कॉमेडियंस के लिए लाइक जेल जाना इज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं 28 साल का हो गया हूँ, अब जिससे मिलता हूँ शादी कर ले जी जहाँ दे, अरे भाई शादी का इतना क्रेज क्यों है, मतलब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ गया मतलब उनको मतलब ही नहीं इस चीज से कि तू क्या कमा रहा है, क्या जॉब करता है, क्या कॉमेडी है, सीधा बैठे शादी कर ले है, कुछ भी देश में घटा, कहीं गुड़गांव में बारिश आ गई तू शादी कर ले, एक कैरेक्टर है जॉन स्नो ग्रेम ऑफ थ्रोन्स का, वो मर गया तो तू शादी कर ले, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, बारिश हो रही थी, मैं भीग गया, बुआ घर पे मिलने आई थी तो वो कहती है कि बेटा क्या हो गया, मैंने कहा बुआ बारिश आ रही थी, मैं भीग गया, बीमार हो गया, 101 डिग्री बुखार, वो मेरे को बोलते है बेटा तू शादी कर ले मतलब लाइक लॉजिक क्या है इस चीज का, मतलब पानी से बचने के लिए यू नीड अम्ब्रेला और सिंड्रेला। ये जो इस तरह के जो जोक जो आप तलाशते हैं वो ज्यादातर कहाँ से, कौन सा फील्ड है जो आपको लगता है कि वहां से आपको आसानी से इस तरह के सब्जेक्ट मिल जाते हैं? सर पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स से बहुत मिलते हैं। फिर भी जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन से जुड़े हुए कोई ऐसे जोक या कोई ऐसी चीजें जो आपको लगे कि इतना ज्यादा वो नहीं है पर सुना सकते हैं जिनको? हाँ, आप जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो केजरीवाल जी को एक चीज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी उनके ऊपर देश में बहुत जोक बन रहे हैं, पर अभी तक भी कोई केजरीवाल का सपोर्टर निकल के नहीं आया जो धमकी देता हो कि मार डालेंगे ये कर देंगे, तो उसके लिए केजरीवाल साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज के लिए। तो एक चैनल आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कि अभी उससे एक मूवी आती है सूर्यवंशम, आप समझ गए होंगे कौन सा चैनल है, या तो साउथ की एक मूवी आती है या फिर सूर्यवंशम, वही दिखाते हैं बार बार वो। तो मीडिया के लिए केजरीवाल क्या है कि आज सूर्यवंशम की तरह हो चुका है इनको लगता है कि आज कुछ नहीं दिखाने के लिए चलो केजरीवाल दिखाओ तो ये एक तरीके का था पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। और ये भी देखा गया है कि कॉमेडी में जो है एक महिलाओं से जुड़ी हुई भी कई चुटकुले और चीजें होती है जी, तो ठीक है हल्का फुल्के अंदाज में कहना तो ठीक है, पर कई बार ऐसा लगता है जैसे ज्यादा फुअड़पन या उस तरह का हो जाता है, तो उसमें आप किस तरह का एहतियात रखते हैं, बचते हैं या थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में उस सब्जेक्ट को उठाया जाए? जी ये एक्चुअली सीरियस थिंग है, अगर हम इसका एक पहलू देखें, हिंदुस्तान में महिला होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, नॉट लुकिंग टूवर्ड्स टूडेज जनरेशन,
पर मैं आज भी जब देखता हूँ तो एक तरीके से हम आज़ाद हुए हैं लेकिन हमारे घर की महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हो पाई हैं। भले ही आज एक लड़की जॉब करती है उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ी सी फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, थोड़े उनके ऊपर जोक्स बनते हैं, गर्लफ्रेंड्स को लेकर जोक्स बनते हैं, बट मैं इससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है इसके अलावा देखने के लिए। मतलब महिलाओं को आप सब्जेक्ट में कहीं शामिल नहीं करते? जी नहीं नहीं, मैं अगर कोई शादीशुदा कपल बैठा होता है क्राउड के अंदर तो मैं उनसे फिर भी बात कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको कल ही मैंने एक बात की थी शो के अंदर, तो फ्रंट रो के अंदर ही बैठे हैं ये लोग, तो मैंने उनसे पूछा मैम आप बहुत गोरी हैं सबसे पहले तो आप लाइक ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं? सिस्का एलईडी। तो एक तो ये जोक था, फिर वो आप उनसे पूछिए कभी शादीशुदा कपल से कितने साल हो गए आपकी शादी को, आदमी हमेशा कंफ्यूज रहेगा 12 साल हुए हैं कि 13 साल हुए हैं लड़के, और महिलाएं हमेशा सही बताएंगी 12 साल 3 महीने 1 दिन 16 घंटे। और ये देखा पत्नियां भी जो है वो भी एक कॉमेडी का हिस्सा बनती रही है, तो पत्नियों के अलावा पति भी जो है जी वो भी एक कॉमेडी का हिस्सा बनते रहे आपके सब्जेक्ट के लिहाज से। आपने कितने मतलब इन दोनों जो दोनों कैरेक्टर है उनको कितना शामिल किया आपने कॉमेडी में? सर मेरे इसके ऊपर मैं क्या बताऊँ, मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलता क्योंकि मैं मेरे को भी शादी करनी है। अगर कल को कोई लड़की ये देखेगी कि अच्छा ये तेरी महिलाओं के लिए ये राय है तो वो रिश्ते के लिए कभी आनी पड़ेगी। इसको आप मेरे शो में आके देखना, आप सब भी आके शो में देखना मेरे। और अगर आप बात करें कॉमेडी की तो कॉमेडी मतलब एक तरफ कॉमेडी जो है वो हास्य कवि सम्मेलन भी है, उसमें भी कॉमेडी है, चुटकुले हैं वो भी कॉमेडी है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के नए प्रयोग इसमें और किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मनोरंजन हो सके, वो हल्का फुल्का महसूस कर सके और उसका एक स्तर भी बना रह सके? नई चीज इसमें इंडिया के अंदर बाय द वे सब कुछ हो चुका है पहले से ही। हम महमूद साहब की बात करें, हम जॉनी लीवर साहब की बात करें, या हम राजू श्रीवास्तव साहब की बात करें, एक हमने जॉनर देख लिया है। एक जो नया मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस इंडिया में हो चुका है लेकिन थोड़ा सा उसके अराउंड में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, AIB का जो रोस्ट आया था जी। वो वल्गैरिटी को लेकर कुछ इश्यू हो गया था, लेकिन मैं फिर भी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, या डोनाल्ड ट्रंप जो अभी बने हैं, या उससे पहले जॉर्ज बुश थे, हर साल अमेरिका में वॉशिंगटन के अंदर जो व्हाइट हाउस है वहां पे हर साल 2 बार डेलीगेट्स डिनर होता है, जिसके अंदर वहां पे अमेरिका में जितने भी सक्सेसफुल लोग हो किसी भी फील्ड के हो, आर्मी के हो, एंटरटेनमेंट के हो, स्पोर्ट्स के हो, पॉलिटिक्स के हो, या पत्रकार जो भी हो, सबको बुलाते हैं और वहां पे रोस्ट नाइट होती है जिसके अंदर राष्ट्रपति खुद लोगों का मजाक उड़ाता है, जिसे बोलते हैं इंसल्ट कॉमेडी, इसका नाम होता है रोस्ट, है ना, इंसल्ट कॉमेडी का। और फिर वो लोग आके राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं। आप आज यूट्यूब पे जाके टाइप करिए रोस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आपको वहां पे मिल जाएगा पूरा एपिसोड जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, हिलरी क्लिंटन का उसके अंदर है, बराक ओबामा के अंदर का मजाक उसके अंदर उड़ाया जा रहा है और बराक ओबामा वहीं बैठे हैं उसके अंदर। तो वो एक चीज मुझे लगती है कि जब बड़ी इकोनॉमीज वर्ल्ड की इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हैं तो यहाँ पे ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए किसी, क्योंकि हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम मजाक कर रहे हैं उसके साथ में। लवजीत जी, आप बात बता रहे थे कि किस तरह अमेरिका में कॉमेडी को अहमियत दी गई है, खासतौर पर राष्ट्रपति भवन में भी इस तरह का एक आयोजन होता है जी। तो अपने यहाँ बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो किस तरह की कोशिशें उस स्तर पर होनी चाहिए, सरकारी स्तर पर देखें तो किस तरह की कोशिशें यहाँ भी होनी चाहिए ताकि एक जो माहौल है उसमें बिना किसी का दिल दुखाए माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखने की कोशिश की जा सके? जी, मैं एक आपके जवाब देता हूँ। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो वरुण ग्रोवर साहब बहुत बड़े कमेडियन है हमारे देश के, वो बहुत लिखते भी हैं, उन्होंने मसान मूवी लिखी है, बहुत उन्होंने लिखा है, उनका एक मैं आपको वही बात दोहरा रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेशर है कि आप हम पे जोक मत लिखिए, प्रॉब्लम है सपोर्टर्स की। जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, आज वो जितना देश के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई लीडर हमारे पास है जो उनको ओवरकम कर पाएगा। पर उसके साथ में अगर हम केजरीवाल जी के ऊपर जोक मार सकते हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर जोक मार सकते हैं, तो हम मोदी जी के ऊपर ही मार सकते हैं जोक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, हम एक उसको आप एक सॉफ्ट पार्ट देखना चाहिए उसका, हम लोगों को हंसा रहे हैं, इतना टेंशन है सबकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वहां से अगर थोड़ा ह्यूमर निकल रहा है तो सपोर्टर्स को नाराज नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके कि सोशल मीडिया पे आपने जाके कुछ गाली लिख दी उसके अंदर या कुछ भी लिख दिया कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। ऐसे कहने से आप कॉमेडी के को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये इस चीज को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप मुझे कहेंगे कि एक डायरेक्शन में सोचना है और वहीं से ह्यूमर निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं है, दिमाग को बड़ा करने की जरूरत है उसके अंदर जी। मतलब हल्का फुल्का अंदाज या हल्का फुल्का कॉमेडी जहां भी लगे उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को बनाए रखते हुए अगर करते हैं तो उसको उस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको
उसको स्वीकार करना चाहिए भाई, ठीक है मकसद जो है वो हल्का फुल्का बनने और बनाने का है। बात करें कॉमेडी की, तो कई बार ये देखा गया है कि एक आपका भी ऐसा शो था जिसमें आप अचानक लोगों के बीच में गए और कोई एक सब्जेक्ट लेके, मान लीजिए कि जीके के कुछ सवाल पूछे और लोग अचानक बता नहीं पाए और उससे आपने कॉमेडी निकाली। जी अभी मैं एक शो होस्ट कर रहा था जिसमें परफॉर्म करण तलवार ने किया था, करण तलवार कॉफी विद करण के लिए लिख चुके जी जी, तो वो जयपुर आए हुए थे। तो मैंने क्राउड के अंदर एक लड़की बैठी थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी बाय द वे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या विचार है। तो उन्होंने अपनी एक राय रखी कि डोनाल्ड ट्रंप महिलाओं के लिए अच्छा नहीं बोलते तो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप कौन है? उसने कहा कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति। मैंने कहा बहुत अच्छा है, और भारत के राष्ट्रपति कौन है? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। मुझे पता था कि इसको नहीं पता उस चीज के बारे में। तो ये लोगों के साथ में होता है। अब एक बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 2016 के अंदर रेवेनेंट मूवी के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूँ जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, पर हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि उनका नाम याद नहीं होता लोगों को, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया, मैं बहुत खुश था उस दिन। मैंने कहा मनीष लियो हैव वन द ऑस्कर। उसने कहा भाई तू वो छोड़, तू ये देख पहले टाइटैनिक वाला बंदा भी ऑस्कर जीत गया। उसको वो याद था, लाइक 20 साल पुरानी पिक्चर का, वो आज भी नाम याद नहीं है उसको। ये जीके का इशू होता है लोगों के साथ में। अक्सर लोगों के बीच में अचानक जाकर कुछ चीजें पूछकर या और किस तरीके से ह्यूमर क्रिएट किया जा सकता है, कोई ऐसा और अनुभव जो, या एक शो बनाया अभी आपने इसमें जो कुछ सवाल आप लोगों के सामने अचानक लेके गए हैं और फिर उनका जो जवाब आया, तो ऐसे कई सवाल थे कि वो बता नहीं पाए। जी ये हमने एक यूट्यूब के ऊपर, हमने एक मैंने और मेरे दोस्त से प्रेरित राज जी, तो हम दोनों ने मिलकर एक जयपुर के स्ट्रीट्स में हम लोग निकल गए एक दिन कैमरा लेके, और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था लोगों से कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। सवाल यही था, सिर्फ एक क्वेश्चन है ना, और मैं रैंडमली लोगों को रास्ते में रोक के पूछ रहा हूँ भारत का राष्ट्रपति कौन है, और वो हक्का बक्का रहेगा, आधे लोगों ने जवाब दिया नरेंद्र मोदी। ये था। और जयपुर जो है वो राजधानी है राजस्थान की, तो उनको पता होना चाहिए कि जयपुर का गवर्नर कौन है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि बहुत लोगों को नहीं पता था, तो मैंने पूछा कि राजस्थान का गवर्नर कौन है, नहीं पता। अचानक से जब वो आता है तो वो लोग नहीं बता पाए। तो जीके का ये इशू होता है। अभी सबको थोड़ी बहुत नॉलेज है जीके की, बट अवेयरनेस वाली जो चीजें होती है ना, वो और जीके दो अलग टॉपिक होते हैं। और क्या वो तरीके हैं जिनसे ह्यूमर आम आदमी जो है वो अपनी जिंदगी में अगर देखे तो ह्यूमर किस तरह क्रिएट कर सकता है? एक कॉमेडियन के रूप में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आम आदमी अपने रूटीन लाइफ में इस तरीके से ह्यूमर क्रिएट कर सकता है और अपनी जिंदगी को हल्का फुल्का बना सकता है? जब आप कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको लिख लो, आप लिख डालो उसको, इसने मेरा मजाक उड़ाया लिख डाला। लोग कहते तेरे बाल कम है, मैं क्या मेरा बाल ही नहीं है, गंजा हूं मैं पूरा। उसके ऊपर आप लिख डालो, वो कहीं ना कहीं आपको काम। मैंने आपको बताया शादी वाली जो मैंने बात बताई, मैं जहां जाता एक ही बात, कब शादी कर रहा है? अरे भाई काम करना अपना, तेरे क्या मतलब है? तू मुझे 10 साल बाद मिला है, तेरा एक पांव टूटा हुआ है, तेरी बीवी हार्ट की पेशेंट है, तू वो संभालना। 5 साल बाद एक जगह मिल रहा है, शादी कब कर रहा है? तो आप को जब कोई परेशान कर रहा सता रहा, उसको लिख डालो भाई। हास्य को लेके लोगों का रुझान क्या है, खासतौर पे आपने इन सालों में जो महसूस किया, जिस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है, तो क्या कहें, पॉजिटिव है, ज्यादा हुआ है, या कोई कुछ खास नहीं, क्या मानना आपका? नहीं, लोगों का रुझान बहुत ज्यादा इसके अंदर है, और अब तो हमारे जो शोज होते हैं उसमें रिपीटिव ऑडियंस आती है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब हमने कुछ ऐसा डिलीवर लोगों को किया, जैसे कुछ आपका प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो मार्केट में और लोगों को इंतजार है इसका नया वर्जन कब आ रहा है, जैसे आईफोन आता है जी जी, तो ये उसी तरीके की चीज है। अब लोग खुद आगे बढ़ के हमको फोन करते हैं, हमको फेसबुक पे मैसेज डालते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आप लोगों का अगला शो कब हो रहा है, कौन बड़ा स्टार आ रहा है, जयपुर से कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है। तो ये रिस्पेक्ट जो एक वर्ड है, वो रिस्पेक्ट हमें बहुत मिली है इसके अंदर, तो वो मुझे लगता है कि एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। प्लस अभी हमारे साथ 3 लोग रिसेंटली ऐसे जुड़े हैं जो शो देखने आए थे और वो फिर हमारे साथ कॉमेडियन बन गए, जैसे पवन सोलंकी जी हमारे हैं, वो जयपुर में एक बिजनेसमैन है, करण हुडा मेरे एक मित्र हैं, जो मित्र भी वहीं से बने थे क्राउड के अंदर से, या हमारे साथ में हिमांशु शर्मा है, तो ये हमारा शो देखना आए थे, ये फिर शो के बाद में हमसे आके मिले कि मुझे भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अच्छा। तो फिर हम लोग क्या रखते हैं कि हम हर वीक वीकेंड पे किसी भी एक अच्छे कैफे के अंदर, जहाँ पे हमको पता है कि 30-40 का ऑडियंस रहेगा, हम वहाँ पे एक ओपन माइक रखवाते हैं, वहाँ जिस सबकी एंट्री फ्री होती है वहाँ पे, और वहाँ पे हम नए कॉमेडियंस को, या फिर मैंने खुद ने भी अगर कुछ नया मटेरियल लिखा है तो हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का हम स्टेज देते हैं उसके अंदर, 10-11 लोगों को जो भी ट्राई करना चाहते हैं, और उस 10 मिनट के अंदर हम लोग हमारा नया मटेरियल, या उन जो नए कॉमेडियंस आ रहे वो अपना
टेस्ट करते हैं, फिर जो अच्छा उसमें से जो पोर्शन होता है वो हम रख लेते हैं और उसको फर्दर फिर इम्प्रोवाइज करते हैं और वो फिर हम हमारे बड़े शो के अंदर जाके करते हैं उस चीज को। जयपुर की बात करें तो कितने जनों का ग्रुप अभी आपके पास है जो कॉमेडी के उसमें काम कर रहा है? 11 लोगों का जी। और जो परफॉर्मेंस होती है उसमें किस तरह का रहता है कि एक शो में कितने लोगों की परफॉर्मेंस होती है? जी ओपन माइक में तो हम कोशिश करते हैं कम से कम 7 से 8 लोग परफॉर्म करें और सब 10-10 मिनट परफॉर्म करते तो 1-1.5 घंटे का शो हमारा हो जाता है जिस समय ज्यादा क्राउड बैठा होता है। और जो मेन शो होता है उस दिन मैं शो को होस्ट करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मैं हैंडसम भी लगता हूँ और मैं अंग्रेजी भी अच्छी बोलता हूँ। अच्छा इंग्लिश का ये है कि आप लोगों को हिंदी में कुछ ही बोलो तो, बट अगर आप इंग्लिश में उनको बोल रहे हो तो लोग फिर सुनते आपकी बात। ये समाज की विडंबना समझ लो, एक्सीडेंट होता होता बच गया ना तो जो अभी हिंदी में बात करता दोस्त से उसकी सडनली अंग्रेज जाग जाता है उसके अंदर का, हाउ डेयर यू। तो अगले को लगता है नहीं यार गलती हो गई, माफी मांग लेता हाथ जोड़ के। तो इंग्लिश का वो इफेक्ट है। तो मैं ज्यादा शो होस्ट करता हूँ और उसके अलावा हम एक कॉमेडियन मेन शो में होता है जो ओपन करता है किसी बड़े स्टार के लिए और बहुत जल्द आप जयपुर से एक बड़ा स्टार देखेंगे आने वाले फ्यूचर में। आपके जो आदर्श हैं कॉमेडी में वो कौन रहे हैं, किनकी कॉमेडी से आप प्रभावित रहे हैं? जी बचपन में मैं एक शो देखता था मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर सुमन साहब से मैं बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ था। उसके अलावा एक वर्ल्ड के बहुत बड़े नामी कॉमेडियन है, उनका नाम है रसल पीटर्स, उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और हिंदुस्तान में एक कॉमेडियन है जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो बहुत बड़े यूट्यूब स्टार हैं और वो महिला सुरक्षा हो गया या पॉलिटिकल चीजें हो गई उस पर लिखते हैं, उनका नाम है डैनियल फर्नांडिस। वो कैथलिक हैं, मुंबई में रहते हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब परफॉर्म कर चुके हैं, उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एक जने का मैं और नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, श्री अमित टंडन जी, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में जो मुझे लेके आए, जब मेरा दिल्ली में जब सबसे पहली बार में जब मैंने किया था तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया था, जो मैंने जोक्स लिखे थे उसमें उन्होंने मुझे हेल्प करी थी। तो ये 4 लोग जिनको मैं बहुत मानता हूँ। आपको क्या लगता है कि अभी जो लोगों की जिस तरह की तनावपूर्ण जिंदगी हो गई है उसके चलते वो हास्य की तरफ कॉमेडी की तरफ कुछ आ रहे हैं इस तरफ, उनको लगता है कि वो उनका जो रूटीन है काम का है और दूसरे तरह के दबाव है उसके बाद उनको लगता है कि एक ऐसा चांस है या कुछ ऐसे घंटे हैं जब जहां आप हल्के फुल्के हो सकते हैं, तो क्या एक वजह ये भी है क्या कि लोग कॉमेडी की तरफ आ रहे हैं? जी ये एक वजह है, तनावपूर्ण जिंदगी है आज बहुत लोगों के हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत फ्री टाइम भी है तनावपूर्ण। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने गए हैं 99.9% कट ऑफ जाती है तब जाके तुम्हारा एडमिशन होता है वहाँ पे, और वहाँ जाके अच्छा पहले क्या होता था कि आप किसी दिल्ली के छात्र से पूछो कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, वो बोलते थे कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है या साइंस लिया है। आजकल आप जो कि पूछो बेटा क्या पढ़ते हो, सर मैं ABBP, बेटा आप NSUI, आप सर मैं तो सबका कर लेता हूँ, मैं आउटरीच कर लेता हूँ। ये एक तो तनाव बहुत है, तो लोग जो देखना था एक्चुअली में तनाव जो मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे मैंने अभी एक जने से मिला था, वो आंटी थोड़ी बीमार थी और वो शो के बाद में अमित टंडन जी का शो था उसके बाद में वो मेरे पास आए कि आपने जो ऑर्गेनाइज उसको कराया तो उन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद, जिसको मैंने पहली बार कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं काफी टाइम से बीमार चल रही थी, बहुत टाइम से नहीं हंसी थी। तो जब ऐसा रिएक्शन लोगों का हमारे पास में होता है तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। किस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं कि कॉमेडी जो है खासतौर पर स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो ज्यादा जगह बना पाए और कॉमेडी को थोड़ा और मजबूत तरीके से पेश करने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो किस तरह की हैं? जी तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम हमारे हर शो के अंदर प्रेस को तो बुलाते हैं उसके साथ में, अभी हमने रिसेंटली एक YouTube का चैनल है अमित टंडन जी के द्वारा ही है, देखिए कितनी बार नाम आ गया उन्होंने लगा उनका सरकार, तो उन्हीं का प्रोडक्शन एक को प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है कॉमेडी मंच, वो लोग अभी जयपुर आए थे शूट करने के लिए, उन्होंने हमारा पूरा एपिसोड शूट किया है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो इस चीज को, आप पंजाब की बात करते हो, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है पंजाब में एंटरटेनमेंट का, पंजाबी गानों का, पंजाबी फिल्मों का, तेलुगु के अंदर इतना बड़ा रजनीकांत साहब जहाँ पे हैं, या भोजपुरी फिल्में हैं, गुजराती फिल्में हैं, मराठी फिल्में हैं, पर राजस्थान के अंदर ये चीज़ नहीं है। ये राजस्थान के अंदर है लेकिन बहुत कम है और हम राजस्थानियों में वो चीज़ मशहूर नहीं है। तो ये एक मेरे दिल की इच्छा है कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि यहाँ के आर्टिस्ट को परमानेंटली अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं के लोगों में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी उनको लेके बने कि आज हम पैसा देख के लवजीत को देखने जा रहे हैं या सलोनी को देखने जा रहे हैं, हिमांशु को देखने जा रहे हैं, दक्षित को देखने जा रहे हैं। तो ये एक मेरा मकसद है उसमें। आपके हिसाब से सरकारी स्तर पर किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए कि कॉमेडी को और आगे बढ़ाया जा सके? सर सरकारी स्तर पर चीजें ऐसे होनी चाहिए कि अच्छा थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बाय द वे, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आज रविंद्र मंच की देखिए क्या हालत है, जाले लगे हैं, कुर्सियां टूटी हैं, आप पिंक सिटी प्रेस क्लब जाइए सब कुछ टूटा पड़ा है वहां पे,
तो हमें क्या एक ऑडिटोरियम चाहिए। आज अगर मैं किसी बड़े बिरला ऑडिटोरियम की बात करूँ या महाराणा प्रताप की, ये बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है पर इनकी फीस भी बहुत हाई है। यदि आज हमारे सरकारी ऑडिटोरियम और गवर्नमेंट अगर इसको सुन रही है, मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सरकारी ऑडिटोरियम को ठीक कीजिए, पिंक सिटी प्रेस क्लब को ठीक कीजिए, रविंद्र मंच को ठीक कीजिए और बहुत सारे शोज हम लोग यहाँ करवाएंगे जयपुर के अंदर। एक मैं सरकार से ये मदद चाहता हूँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ आए, आपने कॉमेडी से जुड़े विभिन्न पहलू हमारे साथ शेयर किए और हमारे दर्शकों को काफी कुछ आपने हल्का फुल्का बनाने की कोशिश की। तो ये थे कॉमेडियन लवजीत सिंह चौहान। अब वक्त हो चुका है, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।